हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश आज आप लोग को ट्यूटोरियल नंबर 6 लेकर के आया हूँ ये रैबिट सॉफ्टवेयर में, जिसमें आप लोग को बतलाने जा रहे हैं कोई भी प्लान है बिल्डिंग का, तो उसका फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से लेकर के अपना हिसाब से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, आप जितना चाहे तो 10 फ्लोर तक भी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो चलिए मैं बतलाता हूँ कि किस तरह से बनाया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक बात और बतला देना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला ट्यूटोरियल का वीडियो जैसे अपलोड करें जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग का प्लान है, बिल्डिंग है जो कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे बनाया हुआ है, फोर्थ फ्लोर तक। तो किस तरह से बनाया जाता है, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं इसको आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ। तक है तो चलिए मैं आपको इसको बैक करता हूँ। ये मेरा ये घर है, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट फ्लोर तक है। तो ये रेलिंग है, ये रूफ है फर्स्ट फ्लोर का। तो चलिए मैं इसको किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये लेवल है ना, लेवल आप लोगों को बढ़ाना है। तो चलिए पहले मैं इसका लेवल बढ़ाता हूँ, जैसे मेरा लेवल 4 5 तक है, तो आप यहाँ पे लेवल बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लेवल बढ़ा देता हूँ यहाँ, या इसका इसका फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का डिस्टेंस कितना है, 15 फीट है। तो 15 फीट यहाँ से ले लेता हूँ, 15 फीट, और मैं बढ़ा देता हूँ, 5 लेवल है तो 6 लेवल हो गया, ये 7 लेवल हो, 7th लेवल हो गया। चलिए दोस्तों 7 तक काफ़ी हो गया। उसके बाद फिर लेवल 1 पे डबल क्लिक करता हूँ, तो आपको ये प्लान दिखेगा। तो इसको आप 3D में करते हैं, इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए मैं वॉल का कलर भी, मटेरियल चेंज कर देता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। बाद एडिट में जाइएगा, एडिट में जाने के बाद एडिट करिए, एडिट के बाद यहाँ पे डोर हैंडल है वहाँ पे तुम्हें ये ब्लू वाला चेंज चूज किया था, तो आप कोई और दूसरा चूज कर लीजिए, जैसे कि कौन सा पार्किंग स्पेस। ये ब्रिक वाला चूज कर लिया, तो देख सकते हैं, देख रहे होंगे आप लोग चेंज हो गया। दोस्तों ये तो मैं चेंज करके दिखाया आप लोगों को मटेरियल। तो आप लोग को जाना है कहाँ पे, पहले पूरा बिल्डिंग का कॉपी कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट है ऊपर, कट के नीचे कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, तो इस पर क्लिक करिए। एक क्लिक करने के बाद ये पेस्ट का ऑप्शन दे रहा होगा, पेस्ट पे क्लिक करिए। तो उसके बाद ये लिगनेट दे रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से लेकर के आप कौन सा फ्लोर तक ले जाना है, तो मैं 7 तक कर दिया। एक को नहीं चूज करना है दोस्तों, सिलेक्ट पूरा को करना है। पूरा को करने के बाद ओके पे क्लिक करिए, तो ये थोड़ा देर में
प्रोसेस हो रहा है। ये आपको 7th फ्लोर तक लेकर जाएगा। तो ये प्रोसेस हो रहा है वेट करने का दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 to 50 सेकंड में ले सकता है। प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, तब तक आप लोग को बतला देना चाहता हूँ कि अगला वीडियो, अगला ट्यूटोरियल लाने जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 7। ये पार्ट नंबर 6 है। तो दोस्तों आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा चैनल को शेयर भी करिए, ताकि दूसरे लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। टाइम लगेगा, 40% हुए है, 50%। दोस्तों थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 मिनट भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपका सिस्टम का प्रोसेस पे, कौन सा रैम है, कितना हार्ड डिस्क है, कौन सा ग्राफिक है, तो आपका सिस्टम पे डिपेंड करता है। हाँ हो गया, 1 मिनट लिए, मैक्सिमम 1 मिनट ले लिया। तो देख रहे होंगे दोस्तों, ये आपका 7th फ्लोर तक चला गया। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक चला गया। चलिए इसको मैं आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों अगला वीडियो में फिर से आने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊँगा आप लोगों का नेक्स्ट कमांड। मासिंग एंड साइट, इसके बारे में बतलाऊँगा, पार्किंग वगैरह लगा कैसे लगाया जाता है, पेड़ पौधा कैसे लगाया जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक मैं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को भी दबा दीजिए। चलिए बाय दोस्तों।